हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस तरह का प्रॉब्लम आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वो सब प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और वही प्रॉब्लम आपका सामने वाला सेमिस्टर एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलो एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट, पहले पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलो क्वेश्चन नंबर वन जो है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग रिटर्न करते हैं। तो आपसे पूछेगा स्टूडेंट, व्हाट इज लॉजिक गेट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन इट। सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, लॉजिक गेट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ लॉजिक इनपुट देते हैं। चलो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिक इनपुट देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलता है, लॉजिक आउटपुट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट में जो बेसिकली आपका जो इनपुट होता है स्टूडेंट, वो आपका इनपुट क्या होता है, जो इनपुट होता है वो आपका क्या होता है, या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलता है स्टूडेंट, आउटपुट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। और आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट या तो जीरो मिल सकता है या तो वन मिल सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली इनपुट देते हैं, वो इनपुट आपका क्या होता है, जीरो या तो वन हो सकता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को लॉजिक आउटपुट मिलता है जीरो और वन के फॉर्म में, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लॉजिक गेट बोलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट एक्सप्लेन इट। तो लॉजिक गेट में स्टूडेंट आपको, लॉजिक गेट बेसिकली आपका तीन तरह का होता है। एक स्टूडेंट क्या होता है, बेसिक गेट होता है, जो आपको बता चुके हैं। एक क्या होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल गेट होता है, और एक क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट को तीन कैटेगरी में बांटा गया स्टूडेंट। एक होता है आपका बेसिक गेट में आपका क्या होता है, बेसिक गेट को तीन कैटेगरी में बांटा गया स्टूडेंट। एक होता है आपका और गेट, एक होता है आपका एंड गेट, और एक आपका क्या होता है, नॉट गेट। स्टूडेंट, और गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है। एंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, ए इंटू बी होता है। और नॉट गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि और गेट का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, और गेट का क्या है सिंबल है, यदि आपसे पूछे कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड गेट का सिंबल हो जाएगा। यदि स्टूडेंट आपसे पूछे कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, तो यदि ए देंगे तो यहां पर आउटपुट क्या होगा, ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका और गेट का सिंबल हो गया, ये आपका एंड गेट का सिंबल हो गया, ये आपका नॉट गेट का सिंबल हो गया, ये आपका और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का ए इंटू बी है, और नॉट गेट का वाई इक्वल टू क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक। अब देखो कि हम लोग यदि ए और बी इनपुट देते हैं, अब स्टूडेंट आपसे पूछेगा वाई आउटपुट ए प्लस बी क्या होगा, जब आपका और गेट रहे तब, जब एंड गेट रहे तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा। यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब जीरो जीरो दोगे तो और गेट में क्या होगा, जीरो होगा,
जब 0 1 दोगे तो और गेट में क्या होगा, 1 होगा। जब 1 0 दोगे तो और गेट में क्या होगा, 1 होगा। जब 1 1 दोगे तो और गेट में क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये आपका और का आउटपुट है, ठीक है, हम एक ही साथ बना दे रहे हैं। और ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, एंड का आउटपुट होगा, ठीक है। जब 0 0 दोगे तो एंड का आउटपुट 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। एक साथ दोनों चीज़ को बना दिए, ठीक है। चलो अब देखो नॉट गेट में क्या होगा, तो नॉट गेट में क्या होगा, नॉट गेट में ये होगा कि जब आप इनपुट ए और आपका आउटपुट क्या होगा, वाई का एक कॉम्प्लीमेंट होगा, जब 0 दोगे तो 1 होगा, जब 1 दोगे तो क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बता दिए। अब देखो स्टूडेंट इन्वर्सल गेट बता रहे हैं। इन्वर्सल गेट बेसिकली दो तरह का होता है, आप लिख सकता है इन्वर्सल गेट दो तरह का होता है। एक होता आपका नैंड गेट और एक आपका क्या होता है, नॉर गेट होता है, याद रखिएगा। और स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव और गेट और एक आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है यूनिवर्सल गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलते हैं जिस गेट का हेल्प लेके हम दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इस दो गेट का नाम है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपका नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, याद रखिएगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट दो तरह का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट और एक क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये दो तरह का स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट होता है। तो टोटली कितना गेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका लॉजिक गेट 7 तरह के होते हैं, एक होता है और, एंड, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, नॉर होता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि आपका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है और नैंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो नैंड गेट का जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट, वो याद रख सकते हो ए इंटू बी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और नॉर गेट का जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा, ए प्लस बी का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा, याद रखोगे। एक्सक्लूसिव और गेट का जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी होता है, प्लस क्या होता है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, ए प्लस करके उसका सर्कल इंटू क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो आपका एक्सप्रेशन होगा, ए इंटू बी और क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, ए और डॉट करके सर्कल लिखेंगे और बी लिखेंगे। ये भी चीज़ आपका क्या होता है, होता है। इसका मतलब नैंड गेट का आपका आउटपुट एक्सप्रेशन ये होगा, नॉर गेट का ये होगा, एक्सक्लूसिव और गेट का ये होगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ये होगा। ये चीज़ आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि आपका नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, तो इस तरह करके आपको बना देना है और ए और बी दे देना है, और आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये जो गेट का सिंबल होगा, ये आपका क्या होगा, नैंड गेट का होगा। इसको आपको याद रखना होगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, तो आपको समझ लेना है। अब देखो ये स्टूडेंट आपका क्या है, ये जो आपका गेट है, ये आपका नॉर गेट है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ए और बी यदि इनपुट दे देगा तो आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल यदि पूछे कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो नैंड गेट का, तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए और बी, और ये आपका स्टूडेंट वाई जो होगा आउटपुट होगा। तो ये याद रखना है, जब 0 0 देगा तो 1 होगा, जब 0 1 देगा तो फिर भी 1 होगा, जब 1 0 देगा तो 1 होगा, जब 1 1 देगा तो क्या होगा, 0 होगा। ये जो टेबल है ये किसका है, आपका नैंड गेट का है, ये आपको याद रखना है। नॉर गेट का टेबल क्या होगा स्टूडेंट, ए बी यदि इनपुट दोगे तो वाई आपको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, जब 0 0 दोगे तो 1 मिलेगा, जब 0 1 दोगे तो 0 मिलेगा, जब 1 0 दोगे तो 0 मिलेगा, उसके जब 1 1 दोगे तो फिर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, याद रखना है। ऊपर इधर वाला जो है आपका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये स्टूडेंट आपका क्या है, ये आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नैंड गेट का है, ये आपका नॉर गेट का है। और एक्सक्लूसिव और गेट का यदि ट्रूथ टेबल पूछे तो आपको लिखना है, एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पर होगा जब आप ए बी और वाई क्या होगा आउटपुट होगा। तो याद रखना है, जब 0 0 दोगे, जब 0 1 दोगे, जब 1 0 दोगे, जब 1 1 दोगे, जब 0 0 दोगे आउटपुट 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, और नीचे वाले में क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव और गेट में दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। अब देखो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट में आप यदि ए और बी और वाई को निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, जब 0 0 दोगे
तो वन मिलेगा जब जीरो वन दोगे तो जीरो मिलेगा, जब वन जीरो दोगे तो जीरो मिलेगा, जब वन वन दोगे तो वन मिलेगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपका एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, नॉर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको रिटर्न कर लो, ठीक है। तो लॉजिक गेट से यदि आपका प्रॉब्लम आएगा तो इतना सारा पॉइंट को क्या करना है, डिस्कशन करना है, तब आपका लॉजिक गेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब आपको बताते हैं स्टूडेंट दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब स्टूडेंट रिटर्न करो प्रॉब्लम नंबर टू, व्हाट इज रेक्टिफायर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर एक्सप्लेन इट विथ डायग्राम। चलो अब देखो स्टूडेंट क्या बोला है, व्हाट इज द रेक्टिफायर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ इसको क्या करना है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना है। चलो सबसे पहले समझना है कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएंगे, एग्जाम में यदि पूछेगा तो बोलना है रेक्टिफायर वन टाइप्स ऑफ डिवाइस, ये आपका रेक्टिफायर डिवाइस है, ये आपका रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में हम लोग जो इनपुट देते हैं स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, एसी सिग्नल होता है, और आउटपुट जो मिलता है वो आपका पल्सेटिंग पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो एसी सिग्नल को आपका पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट यहां पर पूछ रहा है कि रेक्टिफायर का तो डिफिनेशन हो गया, व्हाट इज द रेक्टिफायर, द एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड विद द पल्सेटिंग डीसी इज नोन एज द, क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे, ठीक है। चलो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, अब देखो रेक्टिफायर के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहां पर टाइप्स पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं HWR, और एक क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलो अब बेसिकली यहां पर समझना है स्टूडेंट कि फुल वेव रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली एक होता है सेंटर सेंटर टेब फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक क्या होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है, याद रखना है, ठीक है, ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। सेंटर टेब फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक आपका क्या होता है ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट यहां पर पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में आप कितने डायोड का यूज करोगे, तो आपको बोलना है सिंगल वन डायोड का यूज करते हैं, कितना डायोड का यूज करते हैं, एक डायोड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हो, तो आपको बोलना दो डायोड का यूज करते हैं, कितना, दो डायोड का यूज करते हैं, ठीक है,
ब्रिज रेक्टिफायर में आप बेसिकली कितने डायोड का यूज करते हैं, तो आपको बोला ब्रिज रेक्टिफायर में बेसिकली हम लोग 4 को डायोड का यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसका नाम जो है स्टूडेंट वो आपका क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको लिखना है तो लिख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, फुल वेव सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 को डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, 4 को डायोड का यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे प्रॉब्लम पूछेगा स्टूडेंट कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो लिखो यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है उसको थोड़ा सा समझना है, चलो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है सर्किट डायग्राम है। तो हाफ वेव सर्किट डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले समझना होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर को डिजाइनिंग करने के लिए हम किस किस कंपोनेंट का यूज करेंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका डायोड है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, लोड के अक्रॉस में हमको क्या करना, आउटपुट को लेना है, ठीक है। चलो, ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है, ये आपका ट्रांसफार्मर का क्या है, सेकेंडरी साइड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहां पर जो भी इनपुट होगा वो आपका क्या होगा, एसी इनपुट होगा। एसी इनपुट उस तरह के इनपुट को बोलेंगे जो टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये आपका इनपुट है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई से लेके क्या हो रहा है, 2 पाई से लेके क्या हो रहा है, 3 पाई, और 3 पाई से लेके क्या हो रहा है, 4 पाई। ये आपका क्या है, एसी सिग्नल है। ये आपका क्या है, इनपुट है। ये आपका एसी सिग्नल इनपुट है, ठीक है। वी इन है, वी इन हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी इन का जो वैल्यू होगा वो आपका हम जनरल केस में वी एम और क्या होगा आपका साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, वी एम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस वी एम होगा। ये भी चीज याद रखना है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू होता है -1। जब इसको पुट करेंगे तो वी इन का मैक्सिमम वैल्यू वी एम होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस वी एम होगा, ठीक है। अब देखो, यहां का वेवफॉर्म को एक साइकिल के लिए हमको एनालिसिस करना है। तो एक साइकिल में आपका 2 पार्ट हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा बार क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और ये आपका क्या है, ओमेगा टी एक्सिस है, ठीक है, ओमेगा टी एक्सिस है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जब आप केस नंबर वन का एनालिसिस करोगे, जब आपका ओमेगा टी लाइज बिटवीन, यदि स्टूडेंट आपका क्या होगा, 0 से लेके पाई होगा, जब 0 से लेके पाई होगा तो वेवफॉर्म का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो आपका ये डायग्राम क्या होगा, उसको आपको फोकस करना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये हो गया, और यहां पर ये हो गया, और यहां पर आपका क्या है, डायोड है, और यहां पर आपका क्या है, लोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, आरएल है, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, आउटपुट को लेना है, ठीक है। चलो, आउटपुट को लेना है, इसका मतलब है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करोगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्राइमरी साइड का ऊपर वाला पार्ट यदि पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी साइड का भी ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपका प्राइमरी साइड का लोअर वाला पार्ट यदि निगेटिव होगा तो सेकेंडरी का भी लोअर पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो, अब देखो, ये डायोड है, डायोड का 2 टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। एनोड जब पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाए और कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाए तो डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब स्विच आपका क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड आपका क्या है, निगेटिव से कनेक्टेड है, जिसके कारण आपका डायोड आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ऑन हो गया। तो डी आपका क्या हो गया, इस केस में आपका क्या हो गया, ऑन हो गया। और जब डी ऑन हो गया तो यहां पर आपका क्या होगा, करंट फॉलो करेगा, क्योंकि सर्किट आपका क्लोज हो गया। तो करंट का जो वैल्यू होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी इन बटा क्या हो जाएगा आपका, आरएल हो जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है।
अब देखो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तब बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो वी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या है आपका, वी इन बटा क्या है आपका, आर एल है। और आपका यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर एल हो जाएगा, आर एल आर एल कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वी जीरो इक्वल टू क्या होगा, वी इन होगा जब आपका डायोड क्या होगा, ऑन होगा तब। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपके केस नंबर वन के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इसी पर आपका केस नंबर टू क्या बनेगा स्टूडेंट, केस नंबर टू ये समझने का कोशिश करो। केस नंबर टू में आपका ओमेगा टी लाइज बिटवीन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर पाई से लेके क्या होगा आपका, टू पाई होगा। जब पाई से लेके टू पाई के बीच में होगा तो वेवफॉर्म का नेचर कैसा होगा, तो आपका ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये साइड है, ये आपका ये, और ये आपका इस तरह करके कनेक्टेड है। यहाँ पर स्टूडेंट एक डायोड है, और यहाँ पर आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, ये आपको याद रखना होगा। प्लस माइनस वी जीरो है, ये आपका क्या है, आर एल है, ठीक है। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया और कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये स्विच क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। और जब स्विच ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस सर्किट में जो करंट फॉलो करेगा वो आपका क्या फॉलो करेगा बताओ, तो जब स्विच ऑफ हो गया तो करंट इस सर्किट में जो होगा आई वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सर्किट आपका ओपन हो गया। तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो आपका लोड के अक्रॉस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा जीरो इंटू आर एल होगा, तो जीरो वोल्ट होगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, सेकंड केस में जीरो मिलेगा। इसका मतलब है यहां से ये मेरे को पता चल रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट मिल रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब है इसका ग्राफ क्या होगा, चलो इसका ग्राफ क्या होगा, तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो। जब आप पॉजिटिव दे रहे हो तो आपको मिलेगा, और जब आप निगेटिव दोगे तो आपको नहीं मिलेगा वेवफॉर्म। जब पॉजिटिव दोगे तो आपको वेवफॉर्म मिलेगा, निगेटिव में क्या होगा, आउटपुट जीरो होगा। वही तो केस आपको मिल रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो से लेकर पाई के बीच में भी जीरो इक्वल टू भी इन हो रहा है, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसका मतलब इसका आउटपुट का जो वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट, उसको आपको समझना होगा कि जीरो से लेकर पाई के बीच में मिलेगा, फिर पाई से लेकर टू पाई के बीच में नहीं मिलेगा, फिर टू पाई से लेकर थ्री पाई के बीच में मिलेगा, फिर थ्री पाई से लेकर फोर पाई के बीच में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिंपल आपका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, जीरो से लेकर पाई के बीच में आपको मिलेगा, पाई टू पाई में नहीं मिलेगा, उसके बाद थ्री पाई में मिलेगा, टू पाई से लेकर थ्री पाई के बीच में मिलेगा, फोर पाई में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि इस कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है, डी आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑन हो रहा है, और इस कंडीशन में डी आपका क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, जिसके कारण आपका आउटपुट क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम है, ये याद रखना। इसका दो केस बनेगा, ठीक है, दो केस बनेगा। ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है और ये आपका क्या आउटपुट वेव फॉर्म है। आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म को प्लॉटिंग करो, तो ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का आपका डायग्राम क्या होता है, तो आपको बताना होगा ये आपका क्या होता है, ये आपका डायग्राम होता है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप क्या करो, याद रखो बढ़िया तरह से, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा, तो आपको इसी तरह करके क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, चलो ये आपका क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा एक्सप्लेन डिटेल आपको बता दिया, इसका सर्किट डायग्राम, इसका इनपुट वेव फॉर्म, इसका आउटपुट वेव फॉर्म, अब पूरा इसको डिटेल कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक। चलो अब आपको रिटर्न करना है, तो स्टूडेंट रिटर्न कर लो, अब आपको बताएंगे अनदर पार्ट इसमें बताएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब देखो यहां पर फुल वेव सेंटर टैप, फुल वेव सेंटर टैप सेंटर टैप रेक्टिफाई, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफाई। चलो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। चलिए आपका क्या है, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो, ये सर्किट डायग्राम को याद रखने के बाद इसका सर्किट ऑपरेशन को याद रखना है कि इसका सर्किट ऑपरेशन क्या होगा। अब देखो इसका सर्किट ऑपरेशन कैसे कैसे करेंगे। चलो इसका इनपुट क्या होगा, इस तरह करके होगा, होगा जीरो से लेके पाई होगा, पाई से लेके क्या होगा टू पाई होगा, टू पाई से लेके क्या होगा थ्री पाई होगा, थ्री पाई से लेके फोर पाई होगा, इस तरह करके कंटिन्यूअस मूव करेगा, ठीक है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर आपका वी एम होगा, इसका माइनस वी एम होगा, और ये आपका इनपुट है, तो वी इन इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इनपुट इसके थ्रू पास करेगा, ठीक। चलो इसका दो केस बनेगा स्टूडेंट, दोनों केस को एनालिसिस करते हैं। एक नंबर केस नंबर वन बनेगा। चलो केस नंबर वन में क्या होगा उस चीज को समझते हैं। एक टाइम पीरियड को लेंगे तो ये आपका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। एक टाइम पीरियड में वेवफॉर्म दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओमेगा टी जीरो से लेके क्या होगा पाई होगा। जब जीरो से लेके पाई होगा तब आपको समझना है कि वेवफॉर्म का नेचर पॉजिटिव, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव, इस चीज को आपको फोकस करना है। तो ये डायग्राम को समझना होगा, ये आपका डायग्राम है, यहां पर ऐसे करके है, ये है स्टूडेंट, ये है, यहाँ पर एक डायोड है, डायोड का ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, यहाँ पर भी एक डायोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है, ये याद रखेगा। इसको ऐसे ज्वाइनिंग करेगा, ऐसे करके कनेक्टेड करेगा, और यहाँ से सेंटर टैप से आपको लोड को कनेक्टेड करना है। ये आपका क्या स्टूडेंट आरएल है, और यहाँ से अक्रॉस में हम लोग क्या लेंगे आउटपुट लेंगे। ये आपका डायोड आपका डी वन है, ये आपका डायोड क्या है आपका डी टू है, याद रखेगा, ठीक है। देखो अब जीरो से लेकर पाई के बीच में ये आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव होगा, ये चीज़ आपको क्या करना है याद रखना है। ये आपका क्या है वी इन है, ठीक है। जब ये प्राइमरी साइड का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो सेकेंडरी भी ऊपर पॉजिटिव होगा, और सेकेंडरी का नीचे वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, याद रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना, एनोड आपका पॉजिटिव से, कैथोड आपका निगेटिव से, डायोड आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, इसका मतलब इस स्विच को क्या करना ऑन कर देना, ये आपका क्या हो गया ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो एनोड आपका निगेटिव से, कैथोड आपका पॉजिटिव से, ये स्विच क्या हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया ऑफ हो गया, इसको याद रखेगा, ये स्विच ऑफ हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया ऑन हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ऑन होने के कारण इस सर्किट में जो आपका आउटपुट मिलेगा ये आपका डी वन के अक्रॉस, डी वन के कारण मिलेगा, यस या नो, डी वन के कारण ऑन होने के कारण मिलेगा। इसका मतलब है जीरो से लेके पाई के बीच में आपका डी वन क्या हो रहा है, तो आप बोलेगा कि डी वन आपका ऑन होगा और डी टू आपका क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, और जिसके कारण आपका जो आउटपुट मिलेगा वी जीरो इक्वल टू वी इन, किसके कारण मिलेगा, जो आपका डी वन जो ऑन था उसी के कारण वी जीरो इक्वल टू क्या मिलेगा वी इन मिलेगा। इस चीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर केस नंबर टू को समझने का कोशिश करो कि केस नंबर टू में आपका क्या होगा। केस नंबर टू में आपका जो ओमेगा टी होगा वो कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो पाई से लेके क्या होगा टू पाई होगा, तो यहां पर लिखना पाई, यानी यहां पर क्या लिखना है टू पाई लिखना है कि व्हेन ओमेगा टी लाइज बिटवीन पाई से लेके क्या होगा टू पाई होगा, ये आपका केस नंबर टू है। तो वेवफॉर्म का जो डायग्राम होगा सर्किट का उसको भी एक बार लिख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये आपका इस तरह करके कनेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पर दो डायोड होगा, एक एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ये इसके लिए ये एनोड होगा, ये क्या होगा कैथोड होगा,
अब इसको आपको ऐसे कर लेना है, और यहाँ से आपको लोड को क्या करना है, स्टूडेंट कनेक्टेड करना है, और उसके अक्रॉस में ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या है, लोड है, ये स्टूडेंट आपका क्या है, डी वन है, ये आपका क्या है, डी टू है, याद रखेगा, ठीक है। अब देखो इनपुट, अब इनपुट क्या होगा, पाई से लेके टू पाई के बीच में क्या होगा, ऊपर वाला निगेटिव होगा, नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये आपका क्या हो पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यस या नो। इसका मतलब है कि जब सेकेंड केस का एनालिसिस करोगे तो आपका डी वन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ होगा, क्योंकि एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब इस कंडीशन में ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, और ये एनोड आपका पॉजिटिव से, कैथोड आपका निगेटिव से, इसका मतलब स्टूडेंट ये स्विच आपका अब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है इस केस में आपका क्या हो रहा है, इस केस में आपका D1 क्या हो जा रहा है, D1 आपका क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, ऑफ हो जा रहा है, और D2 आपका क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। और इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, D2 के कारण मिलेगा, इसीलिए आपको V0 इक्वल टू क्या लिखना है, Vin लिखना है, इसके लिए आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका ये इनपुट वेव फॉर्म है, इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये आपका केस नंबर वन का डायग्राम है, ये आपका केस नंबर टू का डायग्राम है, और आपका फाइनल जो आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट वो आपको यहां पर प्लॉट करके बता रहे हैं। तो फाइनल जो डायग्राम मिलेगा जब जीरो से लेके पाई के बीच में आपका आउटपुट मिल रहा है, और पाई से लेके टू पाई के बीच में भी आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब है इसका वेव फॉर्म का नेचर कुछ इस तरह करके होगा, इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्या होगा, जीरो से लेके पाई के बीच में भी मिलेगा वेव फॉर्म, पाई से लेके टू पाई के बीच में, टू पाई से लेके थ्री पाई के बीच में भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट का वेव फॉर्म हो जाएगा। ये चीज याद रखना है, इस तरह का इनपुट देंगे तो इस तरह का आउटपुट मिलेगा फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है, लिख डालना है। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, डी वन आपका क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, और D2 आपका क्या हो जा रहा है बताओ तो, ऑफ हो जा रहा है। फिर इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, D1 आपका स्टूडेंट क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, और D2 आपका क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। यही प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। इसका मतलब है कि फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है, ये आपका क्या केस नंबर वन का एनालिसिस है, केस नंबर टू का एनालिसिस है, और ये आपका क्या फाइनल आउटपुट का एक्सप्रेशन है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो रिटर्न करो फटाफट। चलो इसको पूरा बना लेना है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, आपको बताएंगे ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है।
चलो स्टूडेंट यहां ध्यान दो, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, ये आपका क्या सेकेंडरी साइड है। चलो अब देखो यहाँ पर ये आपका D1 है, ये आपका स्टूडेंट D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका क्या है D4 है, ठीक है। अब देखो ब्रिज रेक्टिफाई सर्किट का ये डायग्राम है, सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले डायग्राम को समझ लेना है, ठीक है। चलो डायग्राम को रिटर्न करो, उसके बाद ही आपको आउटपुट बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल डायग्राम हो गया, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो इसका जो इनपुट वेव फॉर्म होगा वो आपका किस तरह करके होगा। चलो अब देखो समझो कि इनपुट वेव फॉर्म इसका कैसा होगा, तो इनपुट तो वही होगा जो आपको बताए हैं, ये आपका क्या होगा इनपुट वेव फॉर्म होगा, इस तरह करके वेव फॉर्म का वेरिएशन होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, जीरो से लेके क्या होगा पाई होगा, फिर क्या होगा टू पाई होगा, फिर आपका क्या होगा थ्री पाई होगा, फिर आपका क्या होगा फोर पाई होगा। चलो इसको पहले लिखो, तो पहले इसको रिटर्न करो, इसको रिटर्न करो, ये क्या होगा माइनस वी एम होगा, ये आपका क्या हो गया वी इन हो गया, क्या हो गया वी एम साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इसको रिटर्न करने के बाद इसी पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस चीज को आपको क्या करना है फोकस करना है। ये आपका स्टूडेंट क्या है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर का आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब देखो यहां पर केस नंबर एक साइकिल के लिए लेंगे, तो एक साइकिल में जीरो से कहां तक आएगा टू पाई तक आएगा, तो यहां पर लिखो केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन में स्टूडेंट क्या होगा यहां पर समझो, केस नंबर वन में जो ओमेगा टी लाइज करेगा वो कहां से कहां तक लाइज करेगा बताओ, तो ओमेगा टी लाइज बिटवीन क्या होगा जीरो से लेके क्या होगा पाई होगा, जीरो से लेके क्या होगा पाई होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो जीरो से लेके जब पाई होगा, तो जीरो से लेके पाई के बीच में आपका वेव फॉर्म का नेचर क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव होगा, समझो बात को, ठीक है। अब देखो यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका निगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डायोड का एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चल ठीक है, अब देख पहला केस को जब एनालिसिस करेगा, इसी में बता रहे हैं, जब पहला केस को एनालिसिस करेगा, जब वेव फॉर्म ये वाला इसके थ्रू पास करेगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहां पर समझो कि केस नंबर वन में जब एनोड आपका पॉजिटिव हो गया तो कैथोड ऑब्वियसली क्या होगा निगेटिव होगा, इसका मतलब इस केस में आपका ये आपका क्या होगा ऑन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहां पर एनोड आपका क्या है निगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब है जब एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड है तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, यस या नो बताओ, ठीक है। अब देखो ये कैथोड आपका किससे कनेक्टेड है निगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कैथोड किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, बट कैथोड को निगेटिव से कनेक्टेड होना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब केस नंबर वन का एनालिसिस करोगे तो आपका क्या होगा, तब आपका D1 क्या हो जाएगा सॉरी D2 और आपका D4 क्या होगा ऑन होगा, D2 और D4 क्या हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा, याद रखना है। इसका मतलब जब केस नंबर वन का एनालिसिस करोगे तो D2 एंड D4 आपका क्या हो जाएगा दोनों आपका ऑन हो जाएगा, और D1 और D3 क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, ये चीज आपको क्या करना याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखना है कि जब ये आपका ऑफ हो गया तो जहां पर ऑफ हुआ उसको कट करना, उस डायरेक्शन में आपका करंट फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये स्विच आपका ऑफ हो गया, ये भी स्विच ऑफ हो गया। अब देखो इसका वेव फॉर्म किस तरह मूव करेगा, कैसा इसका पाथ डायरेक्शन होगा, उस चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि इसका नेचर ऑफ द वेव फॉर्म क्या होगा। तो देखो इसका जो वेरिएशन होगा यहां से जाएगा, ये निगेटिव से किधर की ओर जाएगा, ये आपका पॉजिटिव की ओर जाएगा, जो एरो कर रहे हैं उसको समझो बात को, ये आपका इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि ऑफ है, तो ऑन जिधर रहेगा उधर ही जाएगा, तो इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके जाएगा, ठीक है। इधर तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये आपका क्या स्टूडेंट ऑफ है,
तो आपका जाना कैसे पड़ेगा, उसको इस तरह जाना पड़ेगा, इस तरह करके मूवमेंट करेगा, इस तरह करके मूवमेंट करते हुए ये आपका इस तरह करके मूव करेगा, इस तरह करके मूव करते हुए, इस तरह करके मूव करते हुए, इस तरह करके मूव करते हुए ये आपका इस तरह करके मूव करते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद इस तरह करके मूव करेगा, इस तरह करके मूव करते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आते हुए ये आपका क्या करेगा, एक पूरा सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यस या नो? जो डॉटेड लाइन बनाए हैं यही आपका क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एरो इंडिकेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जाएगा ये वाला एरो जाएगा, फिर आपका ऐसे जाएगा ये एरो होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, फिर आपका इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, फिर इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, फिर आपका इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, कंटिन्यू लूप को फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, पहला केस का ये डायग्राम होगा स्टूडेंट। ये आपको क्या करना, याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये आपका ये जो डायग्राम होगा, पहले जो डायग्राम बनाया था वो ओरिजिनल फिगर था, ये आपका केस नंबर वन का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये केस नंबर वन का डायग्राम हो गया। तो लिख लो ये आपका क्या हो गया, केस नंबर वन का डायग्राम हो गया, ये आपका क्या हो गया, केस नंबर वन का डायग्राम अब हो गया, ठीक है, केस नंबर वन का डायग्राम हो गया। इसका मतलब है इसके कारण आपका, किसके कारण आपको आउटपुट मिलेगा, तो डी टू और डी फोर डायोड ऑन होने के कारण आपको आउटपुट मिलेगा बी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, वी इन होगा। अब देखो केस नंबर टू में क्या होगा स्टूडेंट, पहले डायग्राम को प्लॉट कर लो, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई से लेके क्या होगा आपका टू पाई होगा, तब आपका क्या होगा, उस चीज का आपको एनालिसिस करके बताएंगे। चलो इसको रिटर्न करो, पहले ये आपका केस नंबर वन का डायग्राम है, इसको रिटर्न करो। अब देखो केस नंबर टू का डायग्राम को आपको थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक है, तो चलो इसको रिटर्न कर लो, रिटर्न करने के बाद आपको केस नंबर टू का डायग्राम बताएंगे, ठीक। चलो अब देखो इसको तो रिटर्न कर लिया होगा, अब केस नंबर टू का बताते हैं, अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, ठीक है, ये साफ हो जाएगा, ये तो लिख लिया होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देने के बाद अब आपको बताएंगे, इसको मिटाने के बाद अब आपको बताएंगे, जो चीज बताएंगे उसको आपको क्या करना, फोकस करना, समझना है, ठीक है। चलो ये तो लिख लिया है, इसी में हम क्या करते हैं, साफ करके बताते हैं, क्योंकि आपको दोबारा लिखना है, बट हम एक ही बार लिख रहे हैं, हम इसी में क्या कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, ये सब क्या हो गया, मिट गया, ये सब आपका क्या हो गया, सब हट गया, अब ये सब क्या हो गया, सब हट गया, ये सब क्या, सब हट गया, सब हटा देते हैं, खाली रेड वाला कलर थो रहेगा, बाद बाकी सभी क्या होगा, हटेगा। चलो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, रेड वाला पोर्शन तो रहेगा, ठीक है। चलो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये आपका डायोड है। चलो अब इसको समझते हैं, केस नंबर टू, अब ये केस नंबर वन हट जाएगा, अब क्या होगा, केस नंबर टू होगा, आपको केस नंबर टू का फिगर बनाना अब, ठीक है। चल ठीक है, अब देखो केस नंबर टू में क्या होगा स्टूडेंट, पाई से लेके टू पाई के बीच में वेवफॉर्म का नेचर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर वेवफॉर्म का जो नेचर है वो आपका क्या है, वो आपका क्या, ये वाला निगेटिव हो जाएगा, यस या नो, अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यस या नो, जब ये निगेटिव होगा तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जब ये निगेटिव होगा तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो यह कहानी शुरू हो रहा है, अब देखो, अब चीजों को समझो, अब देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट देखो, एनोड किससे कनेक्ट हो, निगेटिव से, इसका मतलब इस कंडीशन में आपका ये अब क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, इस कंडीशन में सेकंड वाला केस में ये ऑफ होगा, और एनोड अब इससे पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कैथोड आपका पॉजिटिव से हो गया, इसका मतलब ये आपका ऑफ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ये चीज आपको क्या करना, याद रखना। अब देखो जस्ट उल्टा हो रहा, पहला केस में ये दोनों क्या हो रहा था, ऑन हो रहा था, अब सेकंड केस में ये दोनों ऑन हो रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहा, ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो यदि ये दोनों ऑफ हो जा रहा है तो आपका करंट का जो डायरेक्शन होगा उसको भी ध्यान देना है कि उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका लूप का फॉर्मेशन कैसा होगा, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब आप देखो करंट का जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन को फोकस करते हैं, अब देखो यहां से ये मूव करेगा, ऐसे कैसे मूव करता जाएगा, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अब इधर तो जा नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, इस तरह जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करते हुए इस तरह डॉटेड लाइन जो बना रहे हैं उसी तरह का क्या होगा, लूप फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे जाएगा, ऐसे करते मूव करते हुए ऐसे जाएगा, 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 फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह करके पूरा क्लोज लूप बना लेगा। यस या नो? इसका मतलब इसका एरो का डायरेक्शन क्या होगा, एरो देखो ये होगा, ये होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे एरो, ऐसे एरो, उसके बाद ऐसे एरो होगा,
ऐसे एरो होगा, ऐसे एरो होगा, ऐसे एरो होगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जो ऑफ पाथ रहेगा वहां से तो करंट फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये केस नंबर टू का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ये आपका क्या हो गया, केस नंबर टू का डायग्राम हो गया। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर लिखना होगा कि इस केस में आपका क्या हो जाएगा, डी वन एंड डी थ्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन हो जाएगा, और आपका डी टू और डी फोर आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और आपका आउटपुट जो मिलेगा वो D1 और D3 के कारण मिलेगा, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, तो ये आपका आउटपुट का वेवफॉर्म होगा, उसको भी याद रखना है। जीरो से लेकर पाई के बीच में ऐसे मिलेगा, पाई से लेकर टू पाई ऐसे मिलेगा, टू पाई से लेकर थ्री पाई, थ्री पाई से लेकर फोर पाई ये मिलेगा। तो ये जीरो होगा, ये आपका पाई होगा, ये टू पाई होगा, ये आपका थ्री पाई होगा, ये आपका क्या होगा, फोर पाई होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ओमेगा टी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, भी इन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, भी आउट हो जाएगा। और इसमें ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, ये आउटपुट किसके कारण मिल रहा है, तो आपको बोलना है इस केस में आपका डी टू और डी फोर क्या होगा, ऑन होगा, और इस केस में आपका डी वन और डी थ्री क्या होगा, आपका ऑन होगा, जिसके कारण आउटपुट मिलेगा। यही आपका केस आपका रिपीटेशन होता चला जाएगा। इसका मतलब है ये आपका क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए कि ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेशन कैसे करेगा। तो ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां से तीन क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द रेक्टिफायर ये बता दिए, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर को डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन किए, उसके बाद सेंटर टैप फुल वेव को पूरा डिटेल में डिजाइनिंग किए, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर को डिटेल में डिजाइनिंग किए। इसका मतलब इससे तीन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और पहला जो बताया उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब चार प्रॉब्लम का डाटा डिस्कशन कर दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रॉब्लम 100% श्योर है कि आपका एक प्रॉब्लम 14 नंबर का आएगा ही आएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसको आप बढ़िया से क्या करो, कंप्लीट कर लो। आपका टेस्ट एग्जाम में भी यहाँ से एक प्रॉब्लम आएगा, तो आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आप सॉल्विंग कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को भी देखिए, ट्रांजिस्टर का जितना सारा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।